दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा 134A का नियम बंद कर दिया गया है। इसको लेकर हरियाणा के गरीब परिवारों में काफी रोष देखने को मिला है। अब उनके बच्चे फ्री एडमिशन नहीं ले पाएंगे प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, RTE राइट टू एजुकेशन के तहत आप अपने बच्चों को फ्री एडमिशन या फ्री सीट दिला सकते हैं किसी भी निजी स्कूलों में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मॉडल सांस्कृतिक स्कूल में भी आपके बच्चों को फ्री कुछ रिजर्वेशन आपके लिए रखा हुआ है। अगर आपकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है या फिर आपकी सालाना आय 2,40,000 रुपये से कम है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि मॉडल सांस्कृतिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वहाँ पे वेल ट्रेंड आपको टीचर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि वहाँ पर आपकी फीस लगेगी जो सिर्फ नाम मात्र की फीस होगी। दोस्तों इसकी क्या फीस रहेगी, कैसे आप अपने बच्चों का वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने जो भी आसपास गरीब परिवार हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे मॉडल संस्कृति स्कूल के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आज खुद मॉडल संस्कृति के स्कूल में विजिट करने गया। वहां पर 12th के एग्जाम चल रहे थे इसलिए ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन आप एक बार एक छोटी सी क्लिप आपके लिए लेके आए हैं, ये क्लिप आप देख लो, आपको पूरी इसकी बिल्डिंग, इसका ग्राउंड कैसा है, इसका अंदर की बिल्डिंग कैसी है, यहाँ पर बहुत सारी आपको चीज देखने को मिलेंगी। आप एक बार ये छोटी सी क्लिप देख लो। दोस्तों स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, पूरी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा हुआ है इसके अंदर। मैंने वहां के स्टाफ से बात की तो उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करा सकते हैं, इसकी क्या फीस रहेगी। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपके बच्चों को मिलेंगी ताकि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो जैसा कि सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया लैब मिलेगी जिसमें आपके इंटरैक्टिव बोर्ड, टैब और डिजिटल पोडियम के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा वो। और इसके साथ साथ आपको एक मस्त कंप्यूटर लैब मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग से लैब मिलेंगी यहाँ पे, लैंग्वेज लैब आपको एक अलग से मिलेगी और एक बेहतरीन लाइब्रेरी यहाँ पर देखने को है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर वेल ट्रेंड क्वालिफाइड टीचर भी हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि हरियाणा सरकार के इस स्कूल में टेक्नोलॉजी की भरमार है। अगर कल को लॉकडाउन जैसी परिस्थिति दोबारा यहाँ पर देखने को मिली तब भी आपके बच्चे की जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से गूगल मीट के माध्यम से जारी रहेगी, तो आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका तो पता नहीं लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ेंगे तो भविष्य में उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और वैसे भी एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ बताते हैं तो वो कुछ समय तक उसको याद रखता है, उसके बाद वो उसे भूल जाता है। अगर आप किसी चित्र के माध्यम से अपने बच्चे को कुछ बताते हो तो वो कुछ समय तक तो उसको याद रखेगा लेकिन उसके बाद भी वो उसको भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका बच्चा खुद से कुछ भी करता है, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है या किसी प्रकार का की कोई भी एक्टिविटी अगर खुद से करता है तो वो उसको सारी उम्र याद रहेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इनकम के आधार पर ही आपका आपके बच्चे का एडमिशन होगा। जो इसकी एडमिशन की तारीख है वो 5 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट तारीख है वो है 25 अप्रैल। और 26 अप्रैल को दोस्तों आपका लकी ड्रा इसमें निकलेगा, अगर आपके बच्चे का नाम उसके अंदर आता है तो आपके बच्चे का एडमिशन वहां पर हो जाएगा।
इसके लिए दोस्तों जो रिजर्व सीटें रखी गई हैं वो इस प्रकार है, अगर आपकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है तो आपके लिए 20% सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, और अगर आपकी वार्षिक आय 1,80,000 से लेकर 2,40,000 तक है तो आपके लिए यहाँ पर 10 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत आरक्षण भी दिया जाना है, जो इस प्रकार है कि इसमें 25% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसमें आपके SC कैटेगरी के 3 सीटें रिजर्व हैं, BC A कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 सीटें रिजर्व हैं, BC B के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है, और दिव्यांग, अनाथ और HIV पॉजिटिव जो प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 2 सीटें अलग से रिजर्व रखी गई हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो इसमें आपके आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, उसके माता उसके पिता तीनों का आधार कार्ड, फैमिली ID, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की स्कूल की SLC, बैंक की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट, और आपके बच्चे ने जो पिछली क्लास पास की है उसकी एक रिजल्ट की कॉपी, और इसके साथ साथ आप अपने बच्चे के 1-2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाएं, और आप जिस भी मॉडल संस्कृतिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप वहां पर विजिट करें। वो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करके उसके साथ ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वहां पे जमा करवा दें। 26 तारीख को आपका लकी ड्रा निकलेगा, अगर आपके बच्चे का नाम उसके अंदर आता है तो आपके बच्चे का एडमिशन वहां पर कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको ये बता दें, अगर इसमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पर होगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर आप इन डॉक्यूमेंटों को जमा करवा दें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ फीस देनी पड़ेगी जो कि न के बराबर है, तो बात कर लेते हैं इसकी फीस के बारे में कि इसमें आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों आपको वन टाइम एडमिशन फीस जो इसकी आपकी रहेगी वो पहली से पांचवी कक्षा के लिए आपकी 500 रुपए रहेगी, और छठी से बारहवीं कक्षा के लिए आपको इसके लिए 1,000 रुपए की फीस देनी होगी, और जो आपकी मासिक फीस रहेगी वो पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के लिए 200 रुपए, चौथी से पांचवी कक्षा के लिए 250 रुपए, छठी से आठवीं कक्षा के लिए हर महीने 300 रुपए, नौवीं से दसवीं कक्षा के लिए हर महीने 400 रुपए, और 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए हर महीने आपको 500 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि RTE राइट टू एजुकेशन के तहत अब आप 134A की जगह RTE राइट टू एजुकेशन के तहत अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हम आने वाली वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, जिनकी आय 1,80,000 से कम है या 1,80,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में है उनको जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। तो मिलते हैं हमारे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।